जोहार, नमस्कार। मैं हूं सत्य कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज 24, हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ में है दीपक रवानी जी, जो बागमारा विधानसभा से प्रत्याशी चुने गए हैं जेएलकेएम पार्टी के द्वारा। तो जोहार दीपक जी, हमारे चैनल में आपको आपको झारखंडी जोहार और आपके तमाम दर्शकों को मेरा खतियानी जोहार। तो जैसा कि दीपक जी, आप जिस विधानसभा से लड़ रहे हैं वो एकदम क्या बोलते हैं, कोयलांचल की धरती है और वहाँ पे एकदम लाखों एकदम लोगों का उम्मीद है और यहाँ पे एकदम शोषण, अत्याचार और एक माफिया वहाँ पे है, उन सबों से आप कैसे टकराइएगा? देखिए, आपने बड़ा अच्छा बात पहले ही कहा चंद लाइनों में कि माफिया वार हो चाहे शोषण की बात करें, तो हमें लग रहा है बागमारा विधानसभा में आज तक जितने लोगों ने शोषण को झेला है, हमें लग रहा है हरगिज किसी और विधानसभा में झेला है। क्योंकि आज बागमारा में ये स्थिति आ गया है कि लोगों का उम्मीद टूटता गया जा रहा है। पिछले तीन टर्म का विधायक को देखेंगे कि उन्होंने बार बार प्रयास किया कि जो सत्तारूढ़ दल है उनको बदलने का, पर बार बार प्रयास करने के बाद भी उन्होंने नहीं सका। और इस बार का जो समीकरण ऐसा बन रहा है, चाहे इंडिया की बात करें चाहे इंडिया का, हमें लग रहा है छुटकारा मिलने का मौका मिल रहा है। और बहुत गर्मजोशी के साथ हमारा जो जेएलकेएम का परिवार है वहाँ काफ़ी भरा पुला है, और जैसे जैसे दिन बाय दिन हम लोग देख रहे हैं जैसा कि लोगों को रुझान है, इस बार निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा। और ये जुल्म जो आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पे जो हमारा पार्टी जब एक स्थापित रूप में आएगा और हमारे अगर विधायक वहाँ चुने जाते हैं और मुझे मौका दिया जाता है, तो इस पहले बात इस जुल्म से हम लोग छुटकारा पाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था आपका सुप्रीमो का, जो बागमारा विधानसभा से ही देखे, तो क्या टाइगर का जो रूप वहां देखने को मिला था दीपक रवानी का भी रूप वही होगा बागमारा विधानसभा में? देखिए, विषय ये है कि अगर सिचुएशन और उस तरह का आ जाता है, जैसे कभी कभी हमारे सुप्रीमो जी का कहना है कि जब खोलते हुए विषय पे जब चर्चा हो, जैसे कुछ दिन मोमेंट क्या हुआ था, एक आम मजदूरों का समस्या था और पेमेंट को लेकर इशू था, और पेमेंट बस छोटा सा इतना ही मुद्दा था कि वर्कर काम कर रहे हैं और कुछ लोग पेमेंट भी कर रहे हैं, मगर प्रूव ये नहीं हो पा रहा है कि पेमेंट कौन कर रहा है और वर्कर किन के अंडर में काम कर रहा है। तो आज दुर्भाग्य बात ये है कि यदि आपके घर में एक मकान बन रहा है और आप कई मजदूरों को अगर काम करवा रहे हैं, और अगर पता चले आप पेमेंट करने रहे हैं और वो मजदूर जब किसी को कुछ दुर्घटना हो जाए और उसका जिम्मेदार कोई नहीं लगे कि ये मेरा घर नहीं है, हम पेमेंट करने वाले नहीं है, तो ही परिस्थिति बागमारा का उस दिन हुआ था, इसलिए हमारे केंद्र अध्यक्ष का खून खोला था। और वाकई में जिस उम्र में मैं भी हूँ, वाकई में अगर ऐसी परिस्थिति दोबारा आता है तो स्वाभाविक सी बात है ऐसा मोमेंट होगा ही फिर दोबारा। आपके सामने जो विरोधी पार्टी है आपका, कांग्रेस के जलेश्वर महतो और जो आपका बीजेपी का है वो डुल्लू महतो का भाई है, तो उनके सामने आप अपने आप को कितना प्रभावशाली मतलब देख रहे हैं? देखिए, प्रभावशाली की बात तो ये तो बागमारा की जनता तय करेगी, मगर जहाँ तक दोनों प्रत्याशी को बात करेंगे, कैसे प्रत्याशी है माननीय जलेश्वर महतो जी, जिनका राजनीतिक करियर हमको लग रहा है इसी टर्म का लास्ट रहा है हमें लग रहा है, और चुनाव भविष्य में पता नहीं लड़े पाएंगे, उनका उम्र अब आराम करने का समय आ गया है। हम जैसे युवाओं को अगर वो मौका देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें लग रहा है अगर उनको जनता इतना ही स्वीकार करती तो पिछले तीन टर्म से वो चुनाव नहीं हारते। बार बार अपने उन्होंने तीन बार प्रयास किया फिर भी नहीं जीत पाए। और एक तरफ आ जाइए आप माननीय शरद महतो जी का, इनका पहचान ही आप देख लीजिए। चलिए, नो डाउट हम लोग ने आंदोलन किया, जयराम जी की वजह से हम लोग को भी पहचान बना संघर्ष करते हुए। ये बार बार कुछ लोगों को बीच में आके बोलते हैं कि हमने ये किया, हमने सेवा के भावना से किया, तो मैं बार बार ऐसे कहना चाहूँगा कि सेवा करने का मौका बारी बारी सबको दे। और जहाँ तक आपका विषय का बात है, आप जो बोलते हैं कि हमने ये किया वो किया, पहली बात उनको ये बात को पूछना चाहिए, अगर आप कभी उनके इंटरव्यू अगर लीजिएगा या जनता को उनसे पूछना चाहिए कि पहली बात, आप मोदी जी का बार बार अपने मुख से नाम लेते हैं, क्या आप वाकई में मोदी जी को मानते हैं? एक तरफ लाल किला में दिल्ली में मोदी जी खड़ा होकर ये बोलते हैं कि हम लोग वंशवाद परिवारवाद के खिलाफ है, और एक बागमारा में यही जब सांसद महोदय जब आता है तो उनका मुंह बंद हो जाता है। और वही सांसद महोदय का ज़्यादा नहीं, आप इस लोकसभा से पूर्व का वीडियो, हमें लग रहा है अनेकों ऐसे वीडियो होंगे जिन्होंने उन्हें मुखरता होके, उस विधायक का पहचान यही था कि मुखरता होके बातों को रखते थे कि जो सच्चाई है, मगर वैसे नेता का आज मुंह बंद है। पता है क्यों बंद है? क्योंकि जिस चीज़ का वो खिलाफ थे आज वही वो काम कर रहे हैं।
वो काम क्यों कर रहे हैं पता है? उसके भी पीछे हम लोग ने लॉजिक को रिसर्च किया। आज का डेट में बागमारा में भाजपाइयों, खास करके उनके जो पार्टी, जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, एक भी भाजपाई कोई हिम्मत नहीं है कि ये सवाल खड़ा कर दे अपने माननीय सांसद महोदय से या शरद महतो जिनको प्रत्याशी चुना गया है कि आपको हम परिवारवाद में क्यों लाएं, जबकि मोदी जी राइट बोलते हैं कि नया ब्लड रिलेशन होना चाहिए, नए नए परिवार से लोग होने चाहिए। जाहिर सी बात है चाहे पार्टी अन्य कोई भी हो, हमें ऐसे सुनहरा मौका उनको देना चाहिए और नए नए लोग आएंगे तब हमारे देश का तरक्की होगा। मगर मोदी जी के जस्ट विपरीत उन लोग कार्य कर रहे हैं और बागमारा में इतना शोषण तो हमें लग रहा है आज के डेट में उनका शोषण से बहुत लोग मुक्ति पा चुके हैं क्योंकि अब उनका गुलामी कोई करना चाह नहीं रहा है। मगर कहीं ना कहीं जो भाजपा के कुछ जो ईमानदार नेक लोग हैं वो उनका विरोधी जो स्वर है हमको दिखने को मिल रहा है कि अंदर खाम में हम लोग को बोला जा रहा है कि देखो नौजवान हो तो तुम्हारे जैसा हो, आप लोग का जैसा हो, आप लोग आगे बढ़िए, हम कोऑपरेट करना चाहते हैं। मगर वैसे लोगों को अंदर खामे से ये भी हिम्मत नहीं हो पा रहा है कि आप हिम्मत नहीं कि एक प्रत्याशी के खिलाफ ये बोल दे कि परिवारवाद के हम खिलाफ है, तो हम यही बोलना चाहिए क्या वही भाजपा है कि एक आम केडर का हिम्मत नहीं हो पा रहा है डर से मारे कि वो अपने नेता को कुछ सवाल कर पाए? तो ये कहाँ से शोषण तो अपने लोगों पे ये खुद कर रहे हैं, तो सोचिए कि बागमारा के जनता पे वो क्या शोषण करेंगे। और हमें तो यही कहना है कि नेता ऐसा चुनिए जिस नेता को अपने सामने पे मुंह पे बोल सकें कि हमारा ये काम नहीं, वो काम करके दिखाइए। पर बताइए कि उस परिवार के खिलाफ को ये नहीं सवाल खड़ा कर पा रहा है कि आपको परिवारवाद मोदी के खिलाफ इतना होने के बावजूद आपको टिकट मिल गया। अब टिकट कैसे मिला वो भगवान जाने, उसे हमको मतलब जहाँ तक दिख रहा है भाजपा पार्टी का वो बिल्कुल अपने विचारधारा के विपरीत काम कर रहा है, वो आपको बागमारा में दिख रहा है। बागमारा विधानसभा, जिस विधानसभा को आपने चयनित किया है उस विधानसभा में माफिया, कोयला माफिया, भू माफिया ज़्यादा से ज़्यादा मतलब देखने को मिलता है। हम लोग उस क्षेत्र का भी दौरा किए हैं, बहुत ऐसे लोगों का है जो मतलब जमीन चले गया माइंस में लेकिन उसको अभी तक अधिकार नहीं मिला, उनको मुआवजा नहीं मिला, उनको नियोजन नहीं मिला। तो क्या दीपक रवानी ऐसे ऐसे लोगों के लिए एकदम एक तलवार बन के या फिर ढाल बन के खड़ा होगा उनके साथ में? देखिए सच्चाई ये है कि आज अगर हम लोग मुखर होकर अपने बातों को नहीं रखते या उनके साथ खड़े नहीं रहते तो लोग हमारे साथ नहीं आते हैं। जैसा कि आपने सवालों में ही कहा कि भू माफिया इस तरह का शोषण करने वाले लोग वहाँ भरमार पड़ा हुआ है, बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉलिटिकल लीडर है या माफिया बोलिए भरा पड़ा हुआ है पूरे बागमारा विधानसभा में। उसके बावजूद एक नया कोई दल या हमारे जैसे एक नया युवा लड़का अगर उस बीच में जा रहा है और लोग उसको रुझान दे रहे हैं, उनसे अगर बात कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, स्थान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्कोप है, उनको एक उम्मीद दिख रहा है कि हो सके इस लड़के में ये काबिलियत हो कि हमें इस चीज़ से छुटकारा मिल सके। तो हमें लग रहा है बागमारा की जनता इस बार कतई बदलाव के मूड में है और इस बार आपको 2024 का जो चुनाव दिखेगा ये दोनों ना इंडिया ने एनडीए गठबंधन दोनों को दरकिनार करके हम लोग जो नया युवा का पार्टी है उसको अपनाएंगे। तो आपका जो तैयारी है विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी किस प्रकार है, आप अपने तैयारी को कितना मजबूती से मतलब पेश कर रहे हैं और कितना बढ़िया से तैयारी कर चुके हैं कि विधानसभा चुनाव आप फतेह कर सकें? देखिए बागमारा विधानसभा की बात करें तो मैं अकेले दीपक रवानी क्या हूँ, जो हमारे साथ जितने 11 प्रत्याशी थे या अन्य जितने भी हमारे कार्यकर्ता है सभी लोग बहुत दिनों से आज मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं और आज हम लोग इस मुकाम में हैं जिस विधानसभा में हमारे हर जगह लोग नहीं मिलते थे, आज ऐसे लोग मिल रहे हैं जो उनके आँख में आँख में बोल के दिखा देते हैं कि हाँ हम आपके समर्थक नहीं है, हाँ हम जयराम महतो समर्थक है, हाँ हम दीपक रवानी समर्थक है। ऐसा पता है क्यों हो रहा है? क्यों ना उन लोग का भी धीरे धीरे आँख खुलने लगा है कि हम आपसे डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको डर के क्या फायदा, हमारे पास भी एक ऐसा नेता लीडर आ चुका है जो आपसे आँख से आँख मिलाकर बात कर सकता है, जो आपके बातों का जवाब दे सकता है, तो हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस उम्मीद पर हम लोग खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बागमारा विधानसभा के जितने भी आपके वोटर हैं या फिर वहाँ के जितने भी वासी हैं, आप दीपक रवानी की तरफ से क्या संदेश होगा इस विधानसभा चुनाव में? देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि दो चार बातें आप ज़्यादा मत कुछ सोचिए, सिर्फ दोनों इंडिया एनडीए गठबंधन के बातों को ही सुनिए और एनालाइज करिए कि एक तरफ आरोप लगाएगा कि उसने ये किया, एक तरफ ये इसने आरोप लगाया कि हमने 15 साल पहले ये किया, तो दोनों को बातों में आपको दिखेगा कि इन लोग का पब्लिक जनभावना मुद्दा से कोई लेना देना है नहीं, बस आपस में दोषा आरोप करना और लोगों को बरगला के बस चुनाव का स्थितियों को जो चुनाव का जो तैयारी
तैयारी को दिग्भ्रमित करके चुनाव को वोट व्यवस्था को गलत ढंग से प्रयोग करके चाहे धन संसाधन या कोई भी चीज़ का मिसयूज करके वो किसी न किसी बरगला के बस चुनाव को पार करना चाहते हैं और फिर चार साल उनको कोई लेना देना है नहीं कि उस सत्ता का लोभ इतना ज़बरदस्त इन लोग में है कि कोई अपना परिवार को नहीं छोड़ना चाहता है और कोई व्यक्ति एक उम्र हो गया है आराम करने का व्यक्ति राजनीति को नहीं छोड़ना चाहता तो सत्ता का तो लोभ है दोनों में। और अभी जैसे कि हम लोग बाघमारा विधानसभा को जैसे ही देख रहे हैं वहाँ पे जो आदरणीय अभी ढुल्लू महतो जी जो सांसद हैं धनबाद लोकसभा के उनके भाई आपका जो बीजेपी से जिनको टिकट मिला है तो वो अपने कार्यकाल में जो इतना रहते हुए इतना माफिया सब उत्पन्न हुआ इतना कोयला माफिया हुआ तो कहीं ना कहीं उन्हीं का देन है या फिर इसको आप किस नजरिए से देख अच्छा रहे हैं? हमको ये बताइए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हम माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं हमने ये क्या वो क्या नो डाउट किए होंगे हो सके बहुत सारा सच्चाई हमारी उम्र क्या हुई है हो सके हमारे जन्म से पहले भी उन्होंने बहुत कुछ किया होगा चलिए नो डाउट आपने किया मगर वाकई में क्या पिछले 15 साल कोई कम समय होता है क्या? अगर 15 सालों में अगर आपको फिर 20वां साल में अगर आपने छोड़ के अपने भाई को अगर लाना पड़े तो पहली बात ये आप ही पे सवाल खड़ा हो रहा है कि 15 साल में आप एक भी कार्यकर्ता को बढ़ने नहीं दिए नेता नहीं बनने दिए चाहे आपकी समाज की बात हो चाहे पूरे भारतीय जनता पार्टी की बात हो एक व्यक्ति को आपने बढ़ने नहीं दिया आपने बढ़ाया भी तो अपने भाई को बढ़ाया। और जहाँ तक बात रहा कि लोगों का तो जो पिछले 15 साल में उन्होंने नहीं करके और 5 साल और मांग रहे तो क्या गारंटी अगले साल वो अपने बेटा भतीजे को ना मांगे बोले कि ये हमारे भाई को अब इस बार दे दीजिए फिर 10 साल वो रहेंगे फिर अगला 10 साल के बाद बोलेंगे हमारे भतीजा को दे दीजिए फिर 5 साल बोलेंगे हमारे बेटा को। तो वो चीज़ अगर समाज सेवा का नाम पे वो बार बार बोलते रहते हैं कि हम समाज सेवा करने तो हम तो यही बोलेंगे कि ऐसा करिए महोदय कि आप दूसरों को भी समाज सेवा करने का मौका तो दीजिए हो सके आपसे बेहतर करके दिखाए। तो मेरा पूरा इस बार बागमारा के जनता पर पूरा भरोसा है कि इस बार पूरा बदलाव का मूड बना चुका है और आपको इस बार बागमारा विधानसभा में बदलाव 100% दिखेगा। तो दीपक रवानी जी का नामांकन कब है? हमारा नामांकन 28 तारीख को है। हम तमाम बागमारा वासियों को संदेश देना चाहेंगे कि इस बदलाव के दौर में अगर आप उन्हीं चंद दो ही पार्टियों में अगर उलझ के अगर रह चुके हैं और अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं बागमारा में अगर आपको आशा उम्मीद अगर टूट चुका है तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बदलाव इस बार होगा और तमाम वही जोश जुनून के साथ होगा जो एक युवा में होना चाहिए। बाकी लोग कुछ भी दावा करें आपको कुछ नहीं मिलने वाला है वही घिसा पिटा सरकार का सिस्टम कि 5 साल तुम लूटो 5 साल हम लूटे मिलजुल के दोनों लूटो। अगर इन लोग से मुक्ति चाहते हैं तो हम आइए हम युवा लोग के साथ में हम आपको यकीन दिलाते हैं युवा जो है के साथ जिन बातों को आज रख रहे हैं वो धरातल में दिखेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे चैनल में जुड़ने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को जोहार।